पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीजीआई से उनके पार्थिव शरीर के साथ कल्याण सिंह के सरकारी आवास पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने कैबिनेट बैठक बुलाई। रात में 11:30 बजे कैबिनेट बैठक में शोक प्रस्ताव पास किया गया और इसके बाद तकरीबन 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा कल्याण सिंह के सरकारी आवास पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। उनके बेटे राजवीर सिंह और उनके पोते जो योगी सरकार में मंत्री हैं संदीप सिंह, उनसे बातचीत की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने खुद सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया और पूछा कि कल सुबह 7 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक आवास पर ही उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, वह कहां पर रखा जाना ठीक होगा, कैसे लोगों का वहां पर आगमन होगा, कैसे लोग उनका दर्शन करेंगे उनके पार्थिव शरीर का, और उसके बाद कैसे वो निकलकर बाहर जाएंगे। एक एक चीज़ का बहुत ही विस्तार से उन्होंने चर्चा की और बात किया, तैयारियों का जायज़ा लिया। और इसी बीच जब प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वहां पहुंचे तो उनसे भी उन्होंने पार्टी दफ्तर पर क्या तैयारियां हैं उसके बारे में भी जानकारी दी। दरअसल पार्टी दफ्तर पर भी करीब 2 घंटे तक कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। लोग यहां पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता आकर के उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। पार्टी दफ्तर से पहले 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक विधान भवन में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए यहीं माल एवेन्यू में इसी आवास में रहा करते थे। इसके बाद अब मौजूदा समय में यह आवास सरकार की तरफ से योगी सरकार में राज्य मंत्री व उनके पोते संदीप सिंह के नाम से अलाट है और इसी में कल्याण सिंह का परिवार रहता है। रविवार की सुबह 7 बजे से 11 बजे तक उनके सरकारी आवास पर ही कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। लोग यहां अंतिम दर्शन करेंगे। इसके उपरांत विधान भवन में कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। यहां पर करीब 12:30 बजे तक लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद विधान भवन के सामने ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय स्थित है और वहां पर करीब 2:30 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। 2:30 बजे के आसपास ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे और यहां से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। करीब 2:30 बजे यह अंतिम यात्रा शुरू होगी और इसमें पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद होंगे। एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से उनके पार्थिव शरीर को अलीगढ़ ले जाया जाएगा।